हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रत्यक्षेंद्र यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से WCC2 को, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2 को, अपने PC में कीबोर्ड कंट्रोल के साथ खेल सकेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन द वीडियो। सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी काम होता है। उसके बाद आगे का वीडियो कंटिन्यू कीजिए और साथ ही में वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। वेल, WCC2 को सक्सेसफुली खेलने के लिए अपने PC के ऊपर हमको ज़रूरत पड़ेगी एम्युलेटर की। अगर आपके पास नहीं है एम्युलेटर, तो सबसे पहले आपको एम्युलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। सो जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए BlueStacks, और BlueStacks की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से आप ऑटोमेटिक ऑनलाइन इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लीजिए इस तरह से। सो इस इंस्टॉलर को डाउनलोड करने के बाद हमको इसको ओपन करने का है। जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया रहेगा वहाँ पे ओपन कीजिए। सो ये BlueStacks का इंस्टॉलर जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर दीजिए। कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट इंस्टॉल कर दीजिए। वो ऑटोमेटिकली पूरी तरह से BlueStacks का इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा और डायरेक्ट BlueStacks ओपन भी हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरह से है, 500 MB के ऊपर डाउनलोड साइज जाएगी इसकी। वेल सो गाइज, हमारा BlueStacks एम्युलेटर जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, और सबसे पहले ओपन होने के बाद वो आपको साइन इन करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ से आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना होगा, तभी आप प्ले स्टोर को ओपन कर पाएंगे, नहीं तो प्ले स्टोर ओपन नहीं हो पाएगा। सो सबसे पहले साइन इन कीजिए और उसके बाद प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, और जैसे ही नीचे आएंगे सजेस्टेड गेम्स में अपने को WCC2 दिख ही जाएगा। नहीं दिखा तो सर्च कीजिए वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2, और यहाँ से सबसे पहले हम WCC2 को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि गेम बड़ा है। वेल गाइस, सो WCC2 जो है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया है मैंने, लेकिन ओपन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताना चाहूँगा। यहाँ पे जाइए ऊपर सेटिंग्स में, और जैसे आप सेटिंग्स में आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने PC के रिजोल्यूशन के हिसाब से आप रिजोल्यूशन सेट कीजिए, सो दैट आप हाई ग्राफिक्स के साथ इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे अपने PC के हिसाब से। और इंजन भी आप अपने PC के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं हाई 4 कोर और 60 FPS पे आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं, अगर आपके पास उतना अच्छा PC है। और अपने PC के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इन सेटिंग्स को चेक कीजिए और सेट कीजिए, सो दैट आप इस गेम को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। ऑलराइट, और इसके बाद आपको इस एम्युलेटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा इन सेटिंग्स को चेंज करने के बाद। सो मैंने रिस्टार्ट कर लिया है, तो चलिए अभी ओपन कर लेते हैं WCC2 को। सो WCC2 यहाँ पे ओपन हो रहा है, और इनिशियल सेटिंग्स आप कर लीजिए, मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अभी कि जो की मैपिंग मैं करूंगा वो कौन से कंट्रोल्स पे करूंगा। सो कैमरा और कंट्रोलर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलर एंड और क्लासिक कंट्रोलर पे मैं की मैपिंग आपको दूंगा। सो उस की मैपिंग को कैसे इंस्टॉल करना है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्विक मैच ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो कि एक क्विक मैच ओपन करते हैं सबसे पहले अभी। सो हम मैच में आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं गेम को पॉज करता हूँ अभी। और फिर सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ओपन कीबोर्ड कंट्रोल में जाइए, एडवांस गेम कंट्रोल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर का ऑप्शन आएगा, मोर में आप इंपोर्ट में जाइए। ऑलराइट, और यहाँ से आप वो की मैपिंग की फाइल इंपोर्ट कर दीजिए। इस फाइल की डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, ये फाइल आपको 100% लगेगी। ये की मैपिंग मैंने सेट की है इस गेम के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली 6 बटन से, यहाँ पे D का बटन है, L का बटन है, और अप डाउन लेफ्ट और राइट एरो, खाली 6 बटन के साथ हम इस गेम को आराम से खेल सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बॉलिंग कैसे करना है। डी के साथ आप बॉलिंग के सारे पैरामीटर सेट कर सकते हैं, और माउस के साथ बॉल कहाँ पे गिरेगा वो डायरेक्शन सेट कीजिए इस तरह से। सो ऑलराइट, एक और बॉल देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप डी के साथ ये लेफ्ट साइड के दोनों पैरामीटर सेट कीजिए, और बॉल कहाँ पे गिरेगा उसके लिए आपको माउस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि माउस से हम प्रिसीजन के साथ उसको सेट कर सकते हैं, किसी बटन के साथ नहीं सेट हो सकता वो।
एक और बॉल देखते हैं डी के साथ। फिर से एक बार सुनिए, डी के साथ आपको ये लेफ्ट साइड के दोनों पैरामीटर्स जो है उनको सेट करना है और माउस यूज़ करना है बॉल को सेट करने के लिए, और बड़े आराम से आप बॉलिंग भी कर एंजॉय कर पाएंगे WCC2 की। और अब देखते हैं बैटिंग। बैटिंग के लिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि लेफ़्ट और राइट एरो के साथ बैट्समैन को मूव करना है इनिशियली शुरुआत में, और लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो के साथ आप शॉट्स खेल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए बैट्समैन को मूव करूँगा मैं लेफ़्ट और राइट एरो के साथ, और लॉफ्ट के लिए आपको लॉफ्ट और रन के लिए यहाँ पे आपको एल दबाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कि लॉफ्ट करने के लिए और रन लेने के लिए आपको एल दबाना पड़ेगा, और शॉट लगाने के लिए लेफ्ट और राइट एरो, और डाउन के साथ भी आप सीधे शॉट खेल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।